हम आज जर्नल चैप्टर सीख रहे हैं। बेसिक सम्स जो है फर्स्ट टू वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जर्नल ड्रॉ कैसे करें, तो ये एग्जैक्टली आपका A4 पेपर है जहां पे आप जर्नल लिखेंगे। तो सबसे पहले तो टाइटल होता है जर्नल ऑफ श्री या मेसर्स फॉर द मंथ ऑफ। फिर आप ये दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, राइट। अब स्केल की विड्थ जितनी होती है, करेक्ट, या उससे थोड़ी ज्यादा रखकर पेपर के राइट एज पर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ऐसा एक कॉलम दिखे। फिर जहां लाइन ड्रॉ की वहां वापस स्केल रखी, राइट, ताकि डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स इक्वल नजर आए। फिर एक छोटा सा कॉलम आप ड्रॉ करेंगे, राइट, और यहाँ पर जो इंडेक्स है वहां पर आप स्केल रखकर ऐसे कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हो जाएगा डेट और सीरियल नंबर का कॉलम, पर्टिकुलर्स, ये LF का कॉलम होता है, लेजर फोलियो खाली रहेगा जर्नल चैप्टर में, डेबिट और रुपीस का सिंबल, क्रेडिट और रुपीस का सिंबल। तो इस तरीके से जर्नल ड्रॉ करना है। लेट अस गो फॉर द न्यूमेरिकल। अब मैंने जर्नल ड्रॉ कर लिया है, राइट, आप भी जर्नल ड्रॉ करें, साथ साथ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले दो अकाउंट्स ढूंढने हैं, टाइप ऑफ अकाउंट और फिर रूल्स ऑफ अकाउंट। जैसे पहला, इंट्रोड्यूस 10,000 कैश एंड कमेंस द बिजनेस, तो आपको कैश अकाउंट दिखना चाहिए और कैपिटल अकाउंट दिखना चाहिए। कैश इज रियल, कैपिटल इज पर्सनल, कैश कम्स इन द बिजनेस। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपने ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में 6 कॉलम फॉर्मेट वाले रीजंस फॉर डेबिट क्रेडिट वाला देखा है, एग्जैक्टली वही चीज है, बट अब 5 कॉलम्स हो गए हैं। जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं, राइट। और नरेशन हमेशा बींग से स्टार्ट होती है, राइट, बींग कैश ब्रॉट इन द बिजनेस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट इसीलिए हो रहा है बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसीलिए हो रहा है बिकॉज ओनर इज द गिवर ऑफ द मनी। तो दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और रूल्स ऑफ अकाउंट्स लगाएंगे। अब गुड्स ऑफ 5,000 परचेज्ड ऑन कैश, तो परचेज अकाउंट एक नजर आना चाहिए, राइट, और दूसरा कैश अकाउंट नजर आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था परचेज और कैश में पहले परचेज आता है, राइट, पीसी प्रियंका चोपड़ा, परचेज तो कैश, तो पहले परचेज आएगा फिर कैश आएगा, और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो भी प्रियंका चोपड़ा, राइट, पी फॉर परचेज सी फॉर क्रेडिटर, राइट। तो पीसी परचेज करोगे तो पहले परचेज अकाउंट लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज गुड्स कम इन द बिजनेस टू कैश, बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन शॉर्ट एंड सिंपल लिखना है, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट, अब गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन, तो पहले तो परचेज अकाउंट, अब आपने राजन से परचेज किए क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे, तो दूसरा अकाउंट राजन। दो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए, परचेज इज रियल अकाउंट, राजन इज पर्सनल। एंट्री हो जाएगी पीसी, परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स कम्स इन टू राजन, राजन इज द क्रेडिटर, इज द गिवर ऑफ द गुड्स, राइट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजन, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट या बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजन, नरेशन इज ओके, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब 2,000 गुड्स डोनेट किए हैं, तो डोनेशन इज अ बिजनेस एक्सपेंस। अब आप गुड्स डोनेट कर रहे हो, तो जब भी गुड्स डोनेट करते हो तो परचेज अकाउंट आता है, करेक्ट। तो एक हो गया डोनेशन यानी बिजनेस एक्सपेंस, डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और परचेज अकाउंट क्रेडिट इसीलिए हो रहा है बिकॉज गुड्स गो आउट। तो एंट्री हो जाएगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो आपने जो 6 कॉलम फॉर्मेट सीखा है प्रीवियस चैप्टर में, उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है। हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट्स ढूंढने हैं और डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाने हैं। नेक्स्ट, गिवन ऑर्डर टू शिवानी टू डिस्पैच गुड्स ऑफ 3,000। अब गिवन ऑर्डर, ऑर्डर देना एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है इसलिए हमें नो एंट्री लिखना है, और ये नो एंट्री लिखने की हाफ मार्क है कि भाई हमें पता है ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है 3,000 रुपए का, राइट। तो ऑर्डर मिलना, ऑर्डर देना, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में आता है। अब आते हैं नंबर 6 पर, कि हमें वो ऑर्डर मिल गया है, वी हैव रिसीव्ड द गुड्स। तो
अब 3,000 रुपए के गुड्स हमें रिसीव हुए हैं क्योंकि हमने ऑर्डर दिया था और अब हमें वो ऑर्डर मिल गया, तो गुड्स कम है, तो परचेस यानी बी सी क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है? शिवानी। तो दो अकाउंट्स नजर आने चाहिए, अमाउंट डेफिनेटली 3,000 का होगा क्योंकि 3,000 का ऑर्डर प्लेस किया तो 3,000 के गुड्स आएंगे, करेक्ट? तो परचेस और शिवानी। अब परचेस अकाउंट डेबिट इसीलिए हो रहा है बिकॉज गुड्स कम इन द बिजनेस टू शिवानी, शिवानी क्रेडिट इसीलिए हो रहा है बिकॉज शिवानी इज द गिवर ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट, नाउ पेड 2,500 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब पेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, लॉजिकल है। अब अगर बिजनेस में से कुछ भी घर पे जाता है, करेक्ट, तो वो होता है पर्सनल एक्सपेंस, राइट? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पर्सनल एक्सपेंस, तो पर्सनल के लिए हम शब्द यूज करते हैं ड्रॉइंग्स, और पेड शब्द है तो डेफिनेटली कैश। तो दो अकाउंट्स हो गए, एक ड्रॉइंग्स और एक कैश। तो जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, स्कूल फीस ऑफ सन डॉटर आता है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पे खर्चा, पर्सनल एक्सपेंसेस कोई भी, करेक्ट, बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ सन, तो वो सारे ड्रॉइंग्स में जाएंगे। किस में जाएंगे? ड्रॉइंग्स में, और पेड शब्द है इसलिए कैश। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बिकॉज ओनर इज द रिसीवर ऑफ द मनी, एंड कैश बिकॉज बिजनेस में से कैश गोज आउट, राइट? एंड देन यू हैव टू डू द टोटल्स। अब इसी गाइडलाइंस पर ये इलस्ट्रेशन वन है, वीडियो पॉज करें, खुद करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। ओके, इट इज अज्यूम्ड कि आपने वीडियो पॉज कर लिया है और फिर आंसर खुद सॉल्व किया है, अब आप आंसर देख रहे हैं, राइट? तो चेक करिए ये आंसर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, बिकॉज गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट, फिर अपने क्रेडिट पे परचेज किया है, सेल किया है क्रेडिट पे, राइट? तो पहले डेटर का नाम आता है, फिर सेल्स आता है, कैश टू कमीशन बिकॉज कमीशन हमारी इनकम है, रिसीव शब्द था तो कैश आ गया और कमीशन आ गया, करेक्ट? यहाँ पे जिग्ना आ गया, सेल्स आ गया, राइट? यहाँ पे अब वेजेस आ गया, पेड है तो कैश कैश आ गया, राइट? तो ये आपने खुद कर लिया है। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम। अब इस सम में हमें जर्नल एंट्रीज करनी है शुभम की बुक्स में। अब पहली जर्नल एंट्री अगर आप रीड कर, पहले तो जर्नल बनाइए, साथ साथ करेंगे, ड्रॉ द लाइंस। अब पहली एंट्री अगर आप रीड करें तो लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड गुड्स ऑफ 10,000, यानी गुड्स आ गया। अब गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। फिर कैश 15,000, कैश आ गया। फर्नीचर 5,000, फर्नीचर आ गया। डेटर्स पर्सनल डेटर्स होंगे 10,000 के, एंड कमेंस द बिजनेस, अब एक ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यानी कैपिटल आ गया। तो इस बार इतने सारे अकाउंट्स हैं, स्टॉक है, कैश है, एसेट है मतलब फर्नीचर है, और डेटर पर्सनल डेटर लेकर आया है बिजनेस में, कौन? ओनर यानी कैपिटल। अब ये जो भी एसेट्स हैं, स्टॉक, कैश, फर्नीचर, डेटर, वो डेबिट हो जाएगा। अपन ने अभी बेसिक चीज सीखा था कि कैश टू कैपिटल, करेक्ट? यहां पर अब स्टॉक भी लेकर आ रहा है, कैश भी लेकर आ रहा है, फर्नीचर भी लेकर आ रहा है, डेटर भी लेकर आ रहा है, तो उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। मोर देन वन अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड, इट इज कॉल्ड एज एन कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो अभी हम एंट्री पास करेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। तो डेबिट की चार लाइंस हमने हमारी यूज हो गई, और टू कैपिटल, जब भी आप टू लिखते हैं तो थोड़ी जगह छोड़ते हैं। अब स्टॉक में स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे, तो स्टॉक का अमाउंट कितने का है? 10,000 का, तो स्टॉक में 10,000, राइट? कैश में कैश का अमाउंट लिखेंगे 15,000, फर्नीचर में फर्नीचर का अमाउंट लिखेंगे 5,000, करेक्ट? डेटर में डेटर का अमाउंट लिखेंगे 10,000, और कैपिटल में इन सबका टोटल करेंगे, कैलकुलेट ऑन 10,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो इनका टोटल यहां पर आएगा क्रेडिट वाले साइड में, करेक्ट, व्हिच इज 40,000, राइट? एंड नरेश लिख सकते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग एसेट्स और डेट, क्योंकि अब हमें डेट दे रखी है,
पिछले समय सीरियल नंबर था। अब वो कह रहा है कि पर्सनल मोटर कार सोल्ड फॉर 80,000, तो पर्सनल चीजें तो रिकॉर्ड ही नहीं होती है ना, करेक्ट? तो पर्सनल की तो, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के बना रहे हैं, बिजनेस में कितना लाया? 50,000। तो वी आर कंसर्न विद बिजनेस में तो कितना लाया? 50,000। ठीक है, तो अब दो अकाउंट ढूंढने हैं, एक कैश, करेक्ट, और बिजनेस में लेकर आया है, इंट्रोड्यूस किया है इन बिजनेस, तो कैपिटल हो गया। अब दो अकाउंट हो गए, कैश और कैपिटल। अब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज कैश कम्स इन द बिजनेस। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, कैश कम्स इन द बिजनेस, ओनर इज द गिवर, इसीलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट में थोड़ी जगह छोड़ के लिखने की। नेक्स्ट, अब कह रहा है विथड्रॉन 1,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अभी जब भी पर्सनल यूज आ गया तो आना चाहिए ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज आ गया मतलब ड्रॉइंग्स। अब कहां से विड्रॉ कर रहा है? बैंक से विड्रॉ कर रहा है, तो बैंक इज द गिवर, तो दूसरा अकाउंट आपको नजर आना चाहिए बैंक। पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स आ गया, कहां से विड्रॉ कर रहा है? बैंक से विड्रॉ कर रहा है, तो सेकंड अकाउंट बैंक आना चाहिए। हमेशा हर ट्रांजैक्शन में आपको दो अकाउंट्स ढूंढने होते हैं पहले, तो पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बिकॉज ओनर इज द रिसीवर, और डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, मोस्ट प्रोबेबली डेबिट होता है, टू बैंक, बैंक इज द गिवर, राइट? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बिकॉज ओनर इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट क्रेडिट बिकॉज बैंक इज द गिवर ऑफ मनी, राइट? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है, इनकम टैक्स रिफंड। अब देखो, इनकम टैक्स तो होता है ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स रिफंड सोल प्रोपराइटर का, और वो भी बिजनेस बैंक अकाउंट में जमा हो गया है। तो पहले तो पैसा मिला बिजनेस बैंक अकाउंट, अग्रीड? तो पहले तो यह आना चाहिए बैंक अकाउंट। अब ओनर का पैसा है तो ये कैपिटल हो जाएगा, ओनर का पैसा है तो ये हो जाएगा कैपिटल। तो इस ट्रांजैक्शन में आपको दो अकाउंट नजर आने चाहिए, एक बैंक, राइट, और एक ओनर का पैसा बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड ओनर का है, राइट? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि इनकम टैक्स रिफंड बिजनेस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, राइट? नाउ फ्रॉम बिजनेस गुड्स ऑफ 1,000 एंड कैश ₹400 आर विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज शब्द आ गया, राइट? तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्लियर, तो पर्सनल यूज हो गया यानी ड्रॉइंग्स आ गया। अब क्या क्या विड्रॉ कर रहा है? वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो परचेज अकाउंट आ गया। कैश विड्रॉ कर रहा है, तो कैश अकाउंट आ गया। अब ये है कंपाउंड एंट्री, है ना, जिसमें ड्रॉइंग्स क्योंकि पर्सनल यूज शब्द आ गया, गुड्स यानी परचेज शब्द आ गया, कैश यानी कैश आ गया। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ओनर इज द रिसीवर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा टू परचेज बिकॉज गुड्स गो आउट, एंड कैश भी क्रेडिट होगा टू कैश। अब देखिए, ये भी कंपाउंड एंट्री है, क्यों? क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, राइट? जो पहली की थी उसमें बहुत सारे अकाउंट डेबिट हो रहे थे और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल है, जहां पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। अब ड्रॉइंग्स हो गई 1,400, कैसे 1,400? कि 400 और 1,000 को प्लस करेंगे तो 1,400, तो ड्रॉइंग्स हो गई 1,400, 1,000 के गुड्स हैं, 400 का कैश है, राइट? नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डॉटर। अब डॉटर यानी पर्सनल हो गया। अब आप बोलोगे सर पर्सनल शब्द तो नहीं है, तो भाई डॉटर यानी पर्सनल, डॉटर, सन, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, राइट, ये सब पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से हो रहे हैं पेड। अब पर्सनल एक्सपेंस यानी ड्रॉइंग्स, तो एक अकाउंट ड्रॉइंग हो गया। अब पेड शब्द है, पेड शब्द है, तो कौन सा अकाउंट नजर आना चाहिए आपको? परफेक्ट, अगर आप कैश सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो अब दो अकाउंट आपको नजर आने चाहिए,
एक ड्रॉइंग्स और एक कैश। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बिकॉज ओनर इज द रिसीवर, टू कैश बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट, फर्नीचर ऑफ 2000 परचेस्ड फ्रॉम गंगा फर्नीचर मार्ट फॉर हाउस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। आपने घर के लिए बिजनेस, घर के लिए परचेस किया है फर्नीचर, अग्रीड। तो लोगों का मानना होता है घर के लिए परचेस किया तो ड्रॉइंग्स। अच्छा, ड्रॉइंग्स का रूल होता है कि जब पैसा बिजनेस में से बाहर जाए या गुड्स बिजनेस में से बाहर जाए। अब यहां पर तो ना पैसा गया है बाहर ना ही गुड्स गए हैं बाहर। आपने फर्नीचर परचेस किया, पेमेंट तो करी नहीं ना, गंगा फर्नीचर को पेमेंट करी है क्या? नहीं, उधार पे खरीदा है। ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है बिकॉज आपने घर के लिए खरीदा है और वो भी उधार पे खरीदा है, बिजनेस में से पैसा नहीं गया है, राइट। तो ड्रॉइंग्स टू कैश मत करना, ये है नो एंट्री। क्यों? क्योंकि आपने ना पैसा विड्रॉ किया, क्योंकि गंगा फर्नीचर मार्ट वाले को पेमेंट थोड़ी करी है आपने, अग्रीड। तो इसीलिए नो एंट्री, राइट, क्योंकि फर्नीचर खरीदा है। हाँ, यही अगर बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा होता तो आपको फर्नीचर अकाउंट नजर आता और गंगा फर्नीचर मार्ट नजर आता, करेक्ट। तो उस केस में हो जाती फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गंगा फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस, गंगा फर्नीचर मार्ट इज द गिवर ऑफ द बिजनेस। पर यहां पर फॉर हाउस है तो बिजनेस में तो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए, बिजनेस बुक्स में तो रिकॉर्ड ही नहीं होना चाहिए घर की एंट्रियां। पर मान लीजिए अगर आप विड्रॉ करते हैं बिजनेस से तो ड्रॉइंग्स होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, नो एंट्री होगी क्योंकि बिजनेस में से कुछ भी गया नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 पेड बाय चेक। अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी पर्सनल, पर्सनल यानी ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स हो गया। अब पेड बाय चेक है, चेक तो चेक यानी क्या नजर आना चाहिए? बैंक। तो एक आ गया ड्रॉइंग्स अकाउंट, एक आ गया बैंक अकाउंट। अब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज ओनर इज द रिसीवर ऑफ सर्विस, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज बैंक इज द गिवर ऑफ द मनी, बिजनेस इज नॉट द गिवर ऑफ मनी। ओके, देन यू विल डू द टोटल्स। अब ये इलस्ट्रेशन 3 है, या पहले खुद सॉल्व करेंगे, राइट, फिर आप वीडियो देखेंगे। ओके, इट इज अज्यूम्ड कि आपने खुद सॉल्व किया उसके बाद देख रहे हैं। तो पहले में तो आपको नजर आना चाहिए कैश और कैपिटल, राइट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, अब नेक्स्ट, इसमें फर्नीचर गुड्स भी आया है, फर्नीचर भी आया है, डेटर भी आया है, अभी अभी मैंने आपको कराया है ना, राइट। तो सारे एसेट्स जो हैं वो डेबिट कर देंगे, स्टॉक, राइट, फर्नीचर, डेटर, करेक्ट, और टोटल करके टू कैपिटल में डाल देंगे। फिर बिजनेस में कितना लाया वो देखना है ना। पर्सनल बाइक कितने की कितने में बेची, हमें कोई कंसर्न नहीं है, बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं। इंट्रोड्यूस कितना किया, 10,000। एंट्री कितने की होगी, 10,000 की। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश कम्स इन द बिजनेस, ओनर इज द गिवर। अब ब्रॉट इन यानी कैपिटल शब्द हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। पर्सनल रिसीवेबल्स यानी अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर का दूसरा नाम रिसीवेबल्स है। जो न्यू चीज है इसमें है वो पेबल्स भी ला रहा है। तो लायबिलिटी भी इंट्रोड्यूस हो सकती है कि 6,000 का रिसीवेबल्स, 4,000 का पेबल्स। उस केस में अब तीन अकाउंट नजर आने चाहिए, एक अकाउंट रिसीवेबल, एक अकाउंट पेबल और एक कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, एंट्री हो जाएगी रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू पेबल्स और टू कैपिटल। अब कैपिटल में डिफरेंस आएगा, 6,000 में से 4,000 माइनस करोगे, 2,000 रुपए कैपिटल में आ जाएगा, राइट। फिर इनकम टैक्स पे किया, उसका आपने एंट्री कर दिया,
ड्रॉइंग्स टू कैश, फिर गुड्स विड्रॉ की 1000, पर्सनल यूज, राइट, पर्सनल यूज यानी ड्रॉइंग्स, बिजनेस में से विड्रॉ किया है, करेक्ट, एलआईसी प्रीमियम पे किया है, एलआईसी प्रीमियम पे किया है, क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स, बिल्कुल सही, ड्रॉइंग्स टू कैश, राइट, आपने ये सब कर लिया है, यू कैन जस्ट चेक दिस, क्योंकि खुद करना था, राइट. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेवेंथ सम, जिसमें लोन की ट्रांजैक्शंस हैं. अब ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, 12% लोन ऑफ 20,000 बोरोड फ्रॉम राम. हम पुष्कर हैं, जर्नल हम पुष्कर का बना रहे हैं, तो टाइटल लिखिए जर्नल इन द बुक्स ऑफ पुष्कर. अब पहली चीज में दो अकाउंट नजर आने चाहिए, आप लोन ले रहे हो तो डेफिनेटली कैश देगा वो, तो एक कैश आ गया, दूसरा आ गया राम लोन. तो कैश कम्स इन द बिजनेस, राम इज द गिवर, कैश कम्स इन द बिजनेस, राम इज द गिवर, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू 12% राम लोन. 12% ये इंडिकेट करता है कि हमें उसको 12% इंटरेस्ट पे करना है, राइट, दिस इज जस्ट एन इंडिकेशन कि 12% इंटरेस्ट पे करना है, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट मदर्स लव. नेक्स्ट, अब लेंट यानी आपने दिया है लक्ष्मण को पैसा 8,000 रुपए, करेक्ट, तो लक्ष्मण अकाउंट आ गया, राइट. अब क्या दोगे, डेफिनेटली कैश दोगे, तो दूसरा कैश आ गया. अब यहां पे आप लोन दे रहे हैं, तो लक्ष्मण इज द रिसीवर, कैश गोज आउट, अग्रीड, तो एंट्री हो जाएगी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि आप लोन दे रहे हैं, तो कैश गोज आउट यानी क्रेडिट, लक्ष्मण इज द रिसीवर, तो लक्ष्मण लोन अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट, अब मुझे रिसीव हुआ है कैश, कैश अकाउंट आ गया. फॉर द अमाउंट ऑफ लोन लेंट टू भरत, तो एक भरत अकाउंट आ गया, और 200 रुपीज इंटरेस्ट का भी मिला है, ब्याज भी मिला है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम, तो अभी तीन अकाउंट नजर आए हैं मुझे, कैश, भरत एंड इंटरेस्ट. अब कैश कम्स इन द बिजनेस, क्या होना चाहिए सोचिए, अगर आप डेबिट सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, भरत इज द गिवर ऑफ कैश, तो भरत अकाउंट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट, बिल्कुल सही, अगर क्रेडिट सोच रहे हैं, इनकम 200 रुपीज मेरी इनकम है, इनकम को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत लोन टू इंटरेस्ट. अब मेरे बिजनेस में कैश कितना आया, 800 प्लस 200, तो 1000 रुपीज कैश आया, करेक्ट, भरत लोन 800, भरत लोन 8 एंड 200 इज माई इनकम, ऑलवेज टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, तो इधर 800 200 है तो इधर 1000 लिखना है, ओके. नेक्स्ट, अब हमने 5,000 रुपये रिटर्न किए सीता को, क्योंकि हमने लोन बोरो किया, तो एक सीता अकाउंट, डेफिनेटली रुपए 5,000 दिए हैं, पेड शब्द है, रिटर्न्ड मतलब पेड, कैश आ गया, और इंटरेस्ट, अब यहां पर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बन गया, राइट. तीन अकाउंट नजर आने चाहिए, एक सीता लोन, एक कैश और एक एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस. इस सिनेरियो में सीता इज द रिसीवर, तो सीता लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन बिजनेस एक्सपेंस, डेबिट टू कैश, 5,000 सीता लोन, इंटरेस्ट 400, कैश गोज आउट 5,400. जिसको सिक्स कॉलम फॉर्मेट वाला वीडियो जिसने नहीं देखा है, प्लीज वो कॉलम देखो, उसके बाद ये सब आपको लगेगा एकदम इजी, राइट, मेरा ऑलरेडी शेयर्ड है और लिंक भी मैंने शेयर की है इस वीडियो में, अगर आपको सिक्स कॉलम फॉर्मेट वाला वीडियो देखना है तो. रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 200 फॉर लोन लेंड टू कौशल, अब रिसीव्ड शब्द है यानी कैश, और मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो याद है नेम को इग्नोर करते थे, राइट,
तो इंटरेस्ट, जानबूझ के उसने कौशल शब्द डाला है, तो कौशल को इग्नोर करना है। रिसीव्ड शब्द है इसलिए कैश, इंटरेस्ट मेरी इनकम है, कौशल को इग्नोर करना है क्योंकि जब कैश ट्रांजैक्शन होती है नॉमिनल अकाउंट के साथ तो कौशल इग्नोर हो जाएगा। याद करिए अपने वेजेस पेड टू कृष्णा था, तो कृष्णा को इग्नोर किया था, वेजेस और कृष्णा लिखा था, राइट, सिक्स कॉलम फॉर्मेट वाले में, राइट। तो यहां पर रिसीव्ड यानी कैश, तो कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज अ बिजनेस इनकम, कौशल को इग्नोर किया, ये इसमें हमारे को सीखना था, राइट। इंटरेस्ट फॉर वन मंथ पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम। अब देखो इंटरेस्ट अकाउंट है, बिजनेस एक्सपेंस, पेड शब्द है कैश, राम को हम इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे पिछले समय में अपन ने पिछली एंट्री में कौशल को इग्नोर किया था, यहां पर हम इंटरेस्ट और कैश। अब आप खुद सोचिए इंटरेस्ट बिजनेस का एक्सपेंस है, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अगर आप डेबिट सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बिकॉज कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। द लास्ट वन, दिस इज माय फेवरेट, करेक्ट, रिसीवेबल यानी एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी डिस्कस हुआ था यार, और इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट ना लिख के आप लक्ष्मण लिखोगे तो भी मिले राइट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, तो एक्रूड इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट। जर्नल एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखोगे तो भी राइट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखोगे तो भी राइट मिलेगा। विश यू गुड लक।